नमस्कार, स्वागत है आपका ओम धर्म यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्यक्ति का भोजन शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, दोनों में से कौन सा आहार हमें लेना चाहिए, इस पर गीता ने क्या कहा है, हम आपको प्रमाणों द्वारा बताने जा रहे हैं। विश्व में लगभग सभी लोग इस बात पर चर्चा करते होंगे कि शाकाहारी रहना है या मांसाहारी रहना है या दोनों। गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के बारे में, हम आपको विस्तार पूर्वक प्रमाणों द्वारा बताने जा रहे हैं। सबसे पहले गीता 17:2 में श्री कृष्ण कहते हैं, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। यह संसार भी इन्हीं तीन गुणों के द्वारा बना है, त्रिगुणात्मक माया के द्वारा बना है। इस संसार में तीन प्रकार के भोजन भी होंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा 17:7 में, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का होता है। क्या है वो तीन प्रकार? सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार। पहले सात्विक आहार के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं गीता 17:8 में कि जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु को बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला, बल, स्वास्थ्य तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसे भोजन रसमय, चिकने, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाले होते हैं। अर्थात भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। ऐसा भोजन दीर्घ आयु को बढ़ावा देते हैं। प्राचीन काल में जो विद्वान लोग थे वह ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, दाल, चीनी, सेम, चावल, गेहूं, फल, तरकारियां अर्थात सब्जियां और अन्य शाकाहारी भोजन इनमें शामिल थे। ऐसे भोजन रसदार, प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट, हल्के और फायदेमंद है। उपयुक्त जो भोजन है वह सत्व गुण व्यक्तियों को प्रिय होते हैं क्योंकि यह सात्विक आहार है, इनमें अधिक मिर्च मसाला इत्यादि नहीं होता। यह भोजन उपयोग के लिए होते हैं, उपभोग के लिए नहीं बनते। खाने में अच्छा लगे यह भोजन इसलिए नहीं होते, हमारे शरीर को लाभदायक रहे यह भोजन ऐसा होता है। यह सात्विक भोजन को आप शुद्ध शाकाहारी भोजन समझिए। यह शुद्ध शाकाहारी भोजन मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन के लिए भी अनुकूल होता है। जो भक्त लोग हैं वह सात्विक शुद्ध शाकाहारी भोजन करना ही पसंद करते हैं। अब दूसरा भोजन आता है राजसी आहार। श्री कृष्ण ने कहा 17:9 में कि अत्यधिक खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जब शाकाहारी भोजन कड़वा, अत्यधिक खट्टा, नमकीन, शुष्क, अत्यधिक मिर्च, चीनी, नमक अर्थात अधिक मसाले आदि के साथ पकाया जाता है तो वह राजसी बन जाते हैं। ऐसे भोजन बीमार, स्वास्थ्य, निराशा उत्पन्न करते हैं। यह भोजन खाने में अच्छा तो लगता है लेकिन इसका परिणाम समय समय पर रोगों के रूप में प्रकट होता है। तो जो आहार अधिक मिर्च मसाले द्वारा पकाए गए हों वह आहार राजसी आहार के अंतर्गत आता है। अब श्री कृष्ण तामसी आहार के बारे में बताने जा रहे हैं। गीता 17:10, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पर्श अर्थात वो चीजें जो छूने योग्य न हों वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अर्थात तामसी भोजन अशुद्ध व वासी होता है, वह सदूषण या रोगों को बढ़ावा देने वाला होता है। खाने के 3 घंटा पूर्व बना कोई भी भोजन, चाहे भले वह शाकाहारी ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान और सिद्ध महापुरुष को अर्पित जूठन अर्थात प्रसाद को छोड़कर तामसी माना जाएगा तो बिगड़ने के कारण से उससे दुर्गंध आती है ऐसे तामसी आहार से, जिससे तामसी लोग प्रायः आकर्षित होते हैं। मशरूम, शराब, प्याज, लहसुन सभी पैकेट में बंद भोजन इस तामसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि अशुद्ध भोजन अर्थात तामसी भोजन में सभी प्रकार के मांस उत्पादों को भी शामिल किया जाता है। मांसाहारी तामसी भोजन है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मनुष्य का शरीर मांसाहारी भोजन के लिए नहीं बना है। क्यों? जरा विचार कीजिए कि जो मनुष्य की आते हैं वह काफी बड़ी हैं और जो मांसाहारी जानवर हैं उनकी इंटेस्टाइन काफी छोटी है, क्योंकि मांस जो है जल्दी सड़ने लग जाता है, इसलिए मांसाहारी जीव की इंटेस्टाइन छोटी है, जल्दी से निकल जाती है बाहर। लेकिन चूंकि मनुष्य की इंटेस्टाइन काफी लंबी है, उसकी आते काफी लंबी है, इसलिए वह जो मीट है वह ज्यादा समय तक मनुष्य के पेट में रहता है, जिसके कारण से उसे कई प्रकार के रोग होते हैं। मनुष्य का शरीर मांसाहारी भोजन के लिए नहीं है। यहाँ पर
ध्यान देने वाली बात है कि यह मेडिकल फैक्ट है कि जो मांस खाते हैं उनको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें शाकाहारी होना चाहिए, यद्यपि यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या खाना चाहते हैं। बहुत फेमस लोग जैसे कि महात्मा गांधी, पाइथागोरस, लियोनार्डो डा विंची, रामानुज, ऐसे लोग शाकाहारी ही थे। गीता ने सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार के बारे में आपको बता दिया और यह भी बता दिया कि किन किन प्रकार के लोग इन भोजन में आकृष्ट होते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। यहाँ ध्यान रहे कि जो आप खाते हैं उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही सनातन धर्म के बारे में बताते रहते हैं।